ये पेश कर रहे हैं। अब तक किस किस रहनुमा ने गिरफ्तारी दी है, तफसीलात जानेंगे। इन मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से शौकत अली, पिशावर से मोहम्मद नुमान, रावलपिंडी की सूरतयाल से आगाह करेंगे आली जा, जबकि मुल्तान से माजिन यूसुफ और गुजरावाले से ताबिश भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले लाहौर चलेंगे। शौकत अली, आप बताइएगा क्या सूरतयाल है यहाँ पर? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर इसका स्लोगन ये रखा गया, जेल भरो तरीका के मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ रखा गया, और इसके तहत लाहौर से जेल भरो तरीका बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया, और इसके नतीजे में 2000 जो कारकुन थे और रहनुमा उन्होंने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाई, और 200 कारकुनों का कहा गया कि अंदिया दिया गया कि वो पहले मरले में गिरफ्तारियाँ देंगे। तो जब इन कारकुनों ने गिरफ्तारियाँ दी हैं तो उनको पंजाब के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। 25 जो कारकुन सरगर्म रहनुमा है उनको राजनपुर मुंतकिल कर दिया गया है। 24 कारकुनों को डिस्ट्रिक्ट जेल लिया और 24 कारकुनों को डिस्ट्रिक्ट जेल फकर मुंतकिल कर दिया गया है। और अगर जो बात करें सरगर्म रहनुमाओं की, तो असद उमर को भावलपुर मुंतकिल कर दिया गया है, और जो मुराद रास हैं उनको डीजी खान मुंतकिल कर दिया गया है, और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जो नज़ीर सवाती हैं उनको रहीम खान मुंतकिल कर दिया गया है, और इसी तरह जो मोहम्मद मदनी हैं उनको भी बक्कर जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस वाले से मज़ीद तफसील आप जानते हैं पेशावर से, वहाँ का रुख करते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है और वहाँ जो जेल भरो तहरीक है उसकी क्या सूरत हाल है। जी, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज़ 23 फरवरी को गुलबहार के इलाके बिलाल टाउन से हुआ था, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये एक निजी शादी हाल है, यहाँ पर पीटीआई की कयादत और कारकुन इकट्ठे हुए थे। यहाँ से रैली की शक्ल में ये पहले हशनगरी गए, हशनगरी में एक मुख्तसर जलसा करने के बाद पैदल ही परवेज खटक की कयादत में जेल की तरफ रवाना हुए थे, और जेल के सामने उन्होंने एक किस्म का धरना दे रखा था ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सके। ताहम पुलिस ने तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अलबत्ता बाद एमपीएस समेत 8 के करीब कारकुनान ने खुद पुलिस को गिरफ्तारी पेश की, जिनको थोड़ी देर के लिए वहां पर मौजूद 2 प्रिजनर्स वैन में रखा गया। ताहम बाद में जब उनको हवालात मुंतकिल किया जा रहा था तो रास्ते में ही उन्हें उतार दिया गया, और यूं हम कह सकते हैं कि जेल भरो तहरीक के हवाले से ना सिर्फ पेशावर बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। पेशावर के बाद रावलपिंडी में जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ, वहां पर किन किन कारकुनान ने गिरफ्तारी दी, आइए चलते हैं रावलपिंडी। और पेशावर के बाद जेल भरो तहरीक ने रुख किया रावलपिंडी का, जहां कप्तान की पुकार पर लब्बैक कहते हुए बड़ी तादाद में खिलाड़ी रावलपिंडी के मशहूर व मारूफ कमेटी चौक पहुंचे। तारीखी महंगाई और पीटीआई मरकजी की आदत पर गैर कानूनी मुकदमों के खिलाफ यहां कारकुनान ने भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की। मरकजी की आदत में जुल्फी बुखारी, फ्याजुल हसन चौहान, सदाकत अली अब्बासी, इजाज़ खान जाजी और लतासुफ सत्ती ने गिरफ्तारी पेश की, जिनको पुलिस देर रात सरगोदा शाहपुर मुंतकिल करने पहुंच गई। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 47 वर्कर्स को अब भी अडियाला जेल में कैद रखा गया है। फरजंदे पिंडी, शेख रशीद, गुलाम सरवर खान और वासी कयूम अब्बासी भी यहां पर पहुंचे।